भैया क्या हो रहा है? सदन के सारे विधायक उस हैवान भागवत के साथ मिल गए, लेकिन ये सब करण तुम्हारे खिलाफ भागवत की ये बहुत बड़ी साजिश है। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है तुम्हारे ऊपर। उनका कहना है कि तुमने विशाल प्रदेश के अमर शहीद रमाकांत भाई के स्मारक को बेचकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया। लेकिन भाभी हमने तो ऐसा करण सबूत के तौर पर उनके पास तुम्हारी साइन की हुई एक फाइल है। यही फाइल वो मीडिया को दिखा रहे हैं और इसी फाइल से उन्होंने सारे विधायकों को अपनी तरफ कर लिया है। हाँ करण, ऐसे कौन से फाइल्स उन्होंने साइन किए जिसके वजह से सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए? ये सब कुछ जरूर उस भुवन शास्त्री का किया धरा है। हो सकता है कि कुछ पेपर्स हमने बिना पढ़े साइन कर दिए। हम नहीं जानते थे कि हमारे भरोसे का वो ये सिला देगा। करण भैया वक्त हमारे हाथ से निकल चुका है और अभी इंसाफ की जंग का फैसला होना बाकी है। भुवन जैसे सांप के फन को तो बाद में भी कुचला जा सकता है, लेकिन कृणाल भैया की हत्या के सबूत को हिफाजत से रखना ताकि इसे महफूज हाथों तक पहुंचाया जा सके। रश्मि साहब, हम करण प्रताप सिंह बोल रहे हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं अभी इसी वक्त, आप प्लीज सीएम हाउस आ जाइए। मेजोरिटी हमें करण की पार्टी की वजह से मिली है। उनकी पार्टी के विधायकों को कम से कम 10 मंत्रालय तो देने पड़ेंगे ना। इस बार अगर गलती हुई तो विशाल प्रदेश का भविष्य बने ना बने हमारा भविष्य जरूर चौपट हो जाएगा। हेलो जी, एक मिनट सर, एसपी साहब का फोन है। हाँ बोलो एसपी। सर मिस्टर करण प्रताप सिंह ने मुझे अभी सीएम हाउस बुलाया है। तुम तो जानते हो एसपी, सरकार की बागडोर किसके हाथ में पहुंचने वाली है, इसलिए जो समझाया वो करो। राइट सर। श्रीवास्तव जी, आप तो पार्टी के पुराने विधायक हैं। रमाकांत भाई का स्मारक खुद पापा ने बनाया था और हम पापा की यादों को मिटा देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए इस वक्त मीडिया में जो बताया जा रहा है, जो जताया जा रहा है वो सब गलत है, झूठ है। आप प्लीज हमारी बातों पे। हेलो हेलो, किसी को हमारी बातों पे यकीन नहीं। करण, अगर तुम कुणाल भैया के मौत के सबूत ढूंढने में वक्त जाया नहीं करते तो तुम अपनी सरकार बचा सकते। हमारे बड़े भाई, हम इस मामले में जो चाहेंगे करेंगे। डू अंडरस्टैंड? आइंदा बीच में मत बोलना। करण, राजधानी के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, तुम्हारा इस समय यहां पर रहना बिल्कुल उचित नहीं है। तुम एक काम करो, लाखा करण को कुछ दिनों के लिए ऐसे स्थान पर ले जाओ जहां पर करण बिल्कुल नहीं। हम इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे। महाभारत की लड़ाई में करण ने कभी पीठ नहीं दिखाई दी और इस लड़ाई में भी ये करण पीठ नहीं दिखाएगा। उस भागवत ने हम पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया है और भगवान वही भागवत कुणाल भैया की मौत के पीछे। हाँ बाबा, उस हैवान की हैवानियत का सबूत है हमारे पास। उसकी सरकार बनने से पहले हम उस दरिंदे का पर्दाफाश कर देंगे। करण, मेरे ख्याल से तुम्हें जाकर राज्यपाल से मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ राज्यपाल ही किसी भी मुजरिम को शपथ लेने से रोक सकता है। एसपी साहब, अच्छा हो आप भी आ गए। आप लोग हमारे साथ राजभवन चलिए, हम लोग राज्यपाल जी से मिले जा रहे हैं। आपको राजभवन नहीं बल्कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना है।
यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आपको? करण को नहीं भागवत को गिरफ्तार करना चाहिए। आप जानते हैं हमारे पास पूरा सबूत है। कुणाल प्रताप सिंह की मौत के पीछे भागवत का हाथ है। ये टेप हमारे हवाले कर दीजिए, हम इस मर्डर केस की बाद में तहकीकात कर लेंगे। फिलहाल आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब आप ये एसपी साहब, क्या हम जान सकते हैं आप हमें किस इल्जाम में गिरफ्तार करना चाहते हैं? करप्शन के इल्जाम में। रमाकांत भाई मेमोरियल में जो करोड़ों का घोटाला आपने किया है उसके इल्जाम में। तो भागवत के आरोप के बिना पर आप करण को गिरफ्तार कर लें? करण की गिरफ्तारी का वारंट है आपके पास? हमें कानून सिखाने की कोशिश मत कीजिए। एसपी साहब, ये आप नहीं बोल रहे, आपका बिका हुआ जमीर बोल रहा है। जरा हम भी तो सुने कि आखिर क्या कीमत लगाई है आपने इस खाकी वर्दी की। देखिए, मुझे मजबूर मत कीजिए। आखिर तुम क्या कर? रण भैया आप चलिए, वरना ये बिके हुए लोग भागवत जैसे गुनेगार हैवान को अंजाम तक पहुंचने नहीं देंगे। आप चलिए करण भैया, वरना लोग सबूत भी मिटा देंगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बाबा चलो। करण चलो, चलो जल्दी। क्या वो दोनों भाग गए और तुम उनकी शक्लें देखते रह गए? सर वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, पुलिस उनके पीछे लगी है। और एक बात और सर, उनके पास आपके खिलाफ कोई सबूत भी है कुणाल प्रताप सिंह की कत्ल की साजिश रचने का? वो टेप है उनके पास बेवकूफ, तुम पूरी फोर्स लगा दो ढूंढो उन्हें। नालायक। क्या हुआ भागवत जी? भाग गए वो दोनों एसपी की गन लेकर। तुम्हें काम करो, राजधानी का चप्पा चप्पा ढूंढो। किसी भी हालत में वो लोग राज्यपाल के पास नहीं पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री करण प्रताप सिंह पुलिस के डर से फरार हो गए हैं। राजधानी की पुलिस उनकी तलाश कर रही है। राजधानी से आने जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। काका, पुलिस ने हमारी गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया। इस गाड़ी में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं होगा। करण भैया, कम से कम माई को यह तो बता दो कि हम ठीक हैं। हेलो कमो, हम करण बोल रहे हैं। करण बाबा, करण तुम कहाँ हो? तुम क्यों पुलिस से भाग रहे हो? बेटा ऐसे करोगे तो तुम सच में गुनेगार कहलाओगे। माँ, हम राज्यपाल जी से मिलने जा रहे हैं। कुणाल भैया की हत्या के पीछे किसका हाथ था ये हमें पता चल गया। किसने मारा है हमारे कुणाल को? भागवत। और इसीलिए हम अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। तुम जाओ करण, गुनहगार को उसके सही अंजाम तक पहुंचाओ। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम जल्दी आपसे मिलते हैं। चलो बिक
इस देश में कुछ कायदा कुछ कानून है कि नहीं एसपी साहब? क्या हम जान सकते कि हमें किस जुर्म में यहां पे रखा गया है? ना हम फोन पे बात कर सकते, ना इस घर के बाहर जा सकते। बाय द वे, इतनी रात को आपको जाना कहां है? मेरे ख्याल से आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब है? आप एक बात बता सकते हैं, हमारा जुर्म क्या है? चाल लगाने में कितनी देर लगती है मैडम? बस बहुत हो गया। मेरे पति पे झूठा इल्जाम लगाकर आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्या आप किसी पर भी कोई भी चार्ज लगा सकते हैं? चार्ज लगाने की बात मत कीजिए मैडम, मैं अगर चाहूं तो सबसे पहले आप पर चार्ज लगा सकता हूं। आपने भुवन जी से एक डायमंड नेकलेस लिया था। हाँ लिया था, लेकिन वो तो बस एक गिफ्ट था। ये आपका कहना है? भुवन जी का कहना है कि आप अपने पति से लोगों का काम करवाने के लिए रिश्वत लिया करती थी। तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है, अगर कल दिन निकलने से पहले तक तुम लोगों ने अपना काम नहीं किया तो सारी रात अंधेरों में गुजारोगे, कह देता हूं मैं। इस मौके पर मुझे नाकामी की नहीं, कामयाबी की खबर मिलनी चाहिए। कामयाबी की, सिर्फ कामयाबी की। ढूंढो उसे, अगर ढूंढ नहीं पाए तो अपना मुंह मत दिखाना। वजीब, वो किसी के हाथ नहीं आएगा। पर मुझे तो ये चिंता हो रही है कहीं हमारा बना बनाया खेल ना बिगड़ जाए, क्योंकि पहले भी दो बार सरकार हमारे हाथ में आते आते रह गई। इस बार कोई गलती नहीं होगी पंडित जी। प्रियंवदा देवी के जितने भी बगावती एमएलएस हैं उनकी लिस्ट और हमारे एमएलएस की लिस्ट लेकर आप अभी राज्यपाल साहब के पास जाओ और उन्हें अभी यह संदेशा दे दो कि हम विशाल प्रदेश को एक दिन के लिए भी बिना सरकार के नहीं रहने देना चाहते। इसलिए मैं कृष्णकांत भागवत आज और अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने आ रहा हूं। भागवत जी? पंडित जी, विशाल प्रदेश अपने भविष्य का इंतजार कर सकता है लेकिन मैं नहीं। आगे आगे देखो होता है क्या। करण, ये सब क्या हो रहा है? रमाकांत भाई मेमोरियल का क्या मामला है और किन सबूतों के बिना पर भागवत तुम्हें सीएम के पोस्ट से? इस वक्त आपको समझाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। भागवत जो खेल खेल रहा है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन फिलहाल हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारी गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई और अरे कैसी बातें कर रहा है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम दोनों अंदर तो आओ। नहीं नहीं बुआ जी, हमारे पास वक्त नहीं है। विशाल प्रदेश की पुलिस और भागवत के गुंडे हमारे पीछे लगे हुए, हमें आपकी गाड़ी चाहिए। बुआ, किसी भी तरह हमें राजपाल साहब तक पहुँचना है, इट्स वेरी अर्जेंट। एक मिनट, ये लो चाबी। बहुत थैंक यू। अपना ख्याल रखना। एसपी साहब, पुलिस को शायद करण प्रताप सिंह की तलाश है। विशाल प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के हैसियत से ये बताने के लिए फोन किया। अभी अभी करण प्रताप और उसका दोस्त लाखा व्हाइट एम्बेसिडर में राजभवन की तरफ निकले हैं, उन्हें राज्यपाल से मिलना है, ये मेरा फर्ज है। नमस्ते। प्रियम बता देवी राजनीति से संन्यास ले चुकी है, कुणाल दुनिया में नहीं है। अगर करण भी रास्ते से हट गया तो वीर प्रताप के खानदान में सीएम की कुर्सी की दावेदारी के लिए सिर्फ मैं बचूंगी। आज नहीं तो कल वीर प्रताप के नाम पर सरकार तो दोबारा सत्ता में आएगी। भागवत जी, आपके साथ साथ मैं भी डिप्टी सीएम की शपथ ले लेता हूं।
जरा शांत रही। एक स्थायी सरकार ही एक प्रदेश के विकास का सपना पूरा कर सकती है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर करण। मैं कामना करता हूं कि नई सरकार प्रदेश में वो इतिहास नहीं दोहराएगी जो पिछली सरकार ने किया। अब मैं मुख्यमंत्री पद के लिए भागवत जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और शपथ लें। इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस वक्त हमारा राज्यपाल साहब से मिलना बहुत जरूरी है। हमारा रास्ता मत रोकिए। बोलो सर, वो हमारे कब्जे में है, क्या करना है उसका? काम तमाम कर दो ना। मैं कृष्णकांत भागवत शपथ लेता हूं कि मुख्यमंत्री पद के कार्यभार का निर्वाहन कानून और संविधान के अनुरूप करूंगा। Yeah.